हरियाणा कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम विधायकों द्वारा एमएलए हॉस्टल से हरियाणा राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेसियों के हाथों में तख्तियां भी दिखी, जिन पर कृषि कानून को निरस्त करने, किसानों के सम्मान में कांग्रेस खड़ी मैदान में जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। बता दें कि राज्यपाल से मिलने का कांग्रेस ने समय मांगा था, समय ना मिलने के चलते कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च निकालने का रोष स्वरूप फैसला लिया। कांग्रेस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी पुरजोर मांग कर रही है। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, सरकार को इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी दिखे। इस दौरान हुड्डा के हाथ में भी एक तख्ती दिखी, जिस पर लिखा था कि अन्नदाता की बात सुनो, काले कानून वापस लो। इस दौरान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग उठाते हुए जमकर नारेबाजी हुई। बताते चले कि गत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकारों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आज यानी वीरवार को सुबह 11 बजे तक अगर विधायकों को राज्यपाल टाइम नहीं देते तो एमएलए हॉस्टल से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इससे पहले इन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली थी। इस दौरान किसान आंदोलन में सरकार के रुख को लेकर चर्चा भी की गई थी। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगबीर मलिक, सुभाष गांगुली, मोहम्मद इलियास, शकुंतला खटक, गीता भुक्कल, मेवा सिंह, आफताब अहमद, जयवीर वाल्मीकि, किरण चौधरी, इंदुराज नरवाना आदि मौजूद थे। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनप्रतिनिधि और जनता का विश्वास खो चुकी है। लोकतंत्र की बजाय तानाशाही रवैया इनके द्वारा अपनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो लीडर ऑपोजिशन है, उनके नेतृत्व में आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने आए हैं। वो केवल बीजेपी के नहीं है, क्या वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को समय देते हैं? वो हमें समय क्यों नहीं दे रहे? हम चाहते हैं कि हमारे जो है तीनों काले कानून जो है किसान विरोधी जो है वो वापस हो। नहीं, जैसे पंजाब में सारी पार्टी एकजुट हो चुकी है इस बिल को रद्द करने के लिए, कि हरियाणा में नहीं होना चाहिए इस तरह। हम लोग जो है इनकी गठबंधन की सरकार के सदस्य जो है मुखर होकर सरकार के स्वयं खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार अगर विश्वास मत की बात फ्लोर पे करेगी तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से सरकार का निर्णय तय है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.